क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनके पर हमारा डेटाबेस में आगे चलेगा। चलिए मैं कहाँ तक आया, मैं रेड को उठा लूँ। एक्टिव स्पेशल कंटेंट ये मैंने उठा लिया। एमडी फाइल, ठीक है, एमडी फाइल ये फाइलिंग के थ्रू हुआ, पीछे फाइलिंग से उठा लिया। और स्ट्रिंग ये होता था पहले, प्रिंट प्रिंट एफ राइट से ट्रेन करें, ठीक है, सेट लुक कुछ आवाज के बाद नहीं है, सेम एज इट इज बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन मैंने कहा मुझे लग रहा कुछ और भी है, ठीक है, लेकिन देखते हैं। HTML स्पेशल करेक्टर्स क्या होते हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि जो डाटा मैं भेज रहा हूँ वो किस तरह से है, ये स्पेशल करेक्टर्स में है कि नहीं है। मैं क्लिक करता हूँ। सर ये बताइए, ये साथ बताइए, ये काफ़ी यूज है, ये यूज़ किया हुआ उसमें। ठीक, जब मैं यूज़र से उसका लॉग इन उठाऊँगा ना, तो वो जब उसको मैं पास करूँगा तो ये बेसिकली यूज़ होते हैं उसके लिए, अभी जो मैंने आपको बताया कि उससे रोकने के लिए, एसक्यूएल इंजेक्शन को रोकने के लिए। ठीक है, मैं इसमें से गुजारूंगा तो ये देख लेगा कि अगर कोई इसमें फालतू चीज़ इसके अलावा लगाई हुई है तो वो उसको निगलेक्ट कर देगा। वही जो एड वगैरह जो, हाँ, ये स्पेशल चीज़ें लगाई है। जैसे देखो ये कहता है PHP में स्ट्रिंग लिया है, दिस इज सम बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है, तो मैंने इसको इको करवाया। अगर मैं इको करवाता ना खाली स्ट्रिंग, तो ये सारा स्ट्रिंग एज इट इज़ यानी बोल्ड करके उसमें पेस्ट कर देना था। ठीक है जी, मैंने कहा एक स्ट्रिंग है, ये मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है। अब देखो मैं कहता हूँ कॉपी, मैं इस फंक्शन से नहीं गुजारता, तो जैसे मैंने इस फंक्शन से गुजारे बगैर इसको एग्जीक्यूट करवाया, तो देखो उसमें इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन ये जब मैं इससे गुजारता हूँ तो वो क्या करता है, सिर्फ करेक्टर ही डन करता है, जैसा उसने लिखा उसने एज अ टेक्स्ट उसको ट्रीट किया, ठीक है। ऊपर वाले में देखो क्यूरी चल गई है, यानी HTML रन हो गई है, नीचे वाले में HTML रन नहीं है, तो आप इसे कैसे तो प्लेन टेक्स्ट रिटर्न करते हैं, ठीक है। मिनिमाइज कर दिया इसको, मिनिमाइज कर दिया, ये मैंने कहा जी, ठीक है। डेफिनेशन यूजेज वही बता रहा है, एंड एम्परसेंट बिकम एम्परसेंट, यानी उसकी बजाय साइन बन जाएगा, डबल कोट्स इस तरह बन जाएंगे, यानी इसे स्पेशल बताती है, यानी ये वो चीज़ है जो आपके डाटे को प्योरीफाई करती है। जब भी हम यूज़र से इनपुट लेंगे ना, मैंने इसमें से गुजार लेना है, ये आपने याद रखना है। HTML स्पेशल करेक्टर, ये बिल्ट इन फंक्शन है, तो जैसे मैं इसमें से गुजार लूँगा तो वो प्योरीफाई होकर मेरे पास सिंपल आ जाएगा, ठीक हो गया। आगे देखो,
MD5 की तो मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रिंग था, तो ये उसको MD5 में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग और राउट्स एंड टेल बताइए, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है MD5। अब फाइलिंग से उठा रहा, तो ये एक फाइल के अंदर पड़ा हुआ था, मैंने वहाँ से उठा लिया, यानी हमने एक फाइल सपोज, अब मैं ना कुछ मेरे पास पासवर्ड्स हैं, मैं उनके पहले ही बना के रख लेता हूँ, तो मैं डायरेक्ट ही उनके सब रख के तो वही फाइल से उठा लूँगा, तो वो मेरे पास यहाँ से आ जाएंगे, ये आपने देखना है। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट स्ट्रिंग। पार्ट स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग के हिस्से कर देता है, मैं यहाँ गया, मैंने कहा मेरे पास एक स्ट्रिंग था नेम इज इक्वल टू पीटर एंड एज इज इक्वल टू 43, ये पूरा मैंने कहा पार्ट स्ट्रिंग इसके हिस्से कर दे, पार्ट्स बना दे, तो क्या करेगा, मैं लाइन ब्रेक की है और मैंने एज, यहाँ ये देखो नेम अलहदा कर देगा, उसके आगे उसकी वैल्यू शो कर देगा और एज को अलहदा कर देगा, तो ये वो सारी टेक्निक्स हैं जब मेरे पास स्ट्रिंग आता है तो मैं स्ट्रिंग को कैसे पार्ट्स करता हूँ। देखो उधर पीटर और एज उसकी 43 आ गई, दरमियान में लाइन ब्रेक आ गया, यानी उसने कहा कि पहले वाले को पहला नेम ले लें और जहाँ पर उसको एंड मिला उसके बाद दूसरे वाले को दूसरा नेम मिला। वेरिएबल नेम मैं साइन किए हैं, नेम और एज। ये अंदर तो नहीं साइन हुआ, ये नहीं, उसने यहाँ से देख लिया ना, ये ले ले नेम, इसको पहला वेरिएबल समझ ले और उसको दूसरा वेरिएबल समझ, ठीक है। गेट से डेटा उठाते वक्त हम यूज करते हैं पार्ट स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग्स में तोड़ दो, तो फिर वो जो आप मैं करता नहीं था, पहले वाले को पहले में रखा, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, दसवें को दसवें, पचास, अगर बहुत ज़्यादा डाटा आ रहा है पीछे से तो वो इस तरह ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, उनके वेरिएबल्स खुद ही बन जाएंगे, हालांकि मैंने कहीं असाइन नहीं किया, ठीक है। पार्ट स्ट्रिंग, नेक्स्ट फंक्शन है प्रिंट का, मेरा ख्याल है मुझे बताना नहीं चाहिए, सिंपल प्रिंट फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन आप देख लेंगे, ठीक। प्रिंट एफ फाइल के अंदर प्रिंट करता है, ये भी आप देख लेंगे, सी के पैटर्न से जो है वो प्रिंट करता है, ठीक है। तो ये एक और फंक्शन है जी मेरे पास, स्ट्रिंग की फंक्शन है जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कहा क्लिक पेस्ट, स्ट्रिंग लिया हेलो वर्ल्ड, मैंने कहा जहाँ str लाइन ब्रेक, तो पहला स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, फिर मैं कहता हूँ r ट्रिम, राइट से ट्रिम करो, और जहाँ उसको वर्ड मिलता है वो वहाँ तक उसको ट्रिम कर दे, स्ट्रिंग को के ऊपर राइट ट्रिम कर लें। मैं इसके बाद ये लाइन दोबारा प्रिंट करवाता हूँ, बल्कि प्रिंट क्या करानी है, इको कराया हुआ उसमें, इको आर ट्रिम और स्ट्रिंग, यानी आर ट्रिम क्या करता है, यहाँ जाओ अगर आपको डिस्क्रिप्शन देखनी है, आर ट्रिम में आप स्ट्रिंग दोगे और वो स्ट्रिंग करेक्टर जहाँ से आपने उठाना है, तो राइट साइड से क्या करेगा, ये आपके ट्रिम को ख़त्म कर देगा। हेलो वर्ल्ड, तो उसमें क्या किया, हेलो को लगा कर दिया, बाकी हेलो रह गया, क्योंकि ट्रिम जो कर दिया वो ट्रिम खत्म करने को कहते हैं, वर्ल्ड को उसने ट्रिम कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है जनाब, ये भी गया, नेक्स्ट आता है सेट लोकल, ये ना आगे जाके अभी यूज होगा, अभी हम इतना यूज नहीं करेंगे टाइम जोन सेटिंग के हवाले से। एक होता है सिस्टम टाइम, वो मैं जावास्क्रिप्ट से आपको खाना बता चुका हूँ, लोकल टाइम जो था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ सर्वर पे क्या टाइम है। अब मेरा अगर अमेरिकन सर्वर है तो उसका टाइम अमेरिकन वाला आएगा, तो वो देखो क्या कह रहा है, इको सेल लोकल और एलसी अंडरस्कोर ऑल, अच्छा ये ना कुछ और है, बाद में भी याद कराना, एरर हैंडलिंग भी थोड़ी सी बतानी है। यूएस टाइम, और मैंने कहा सेट लोकल लोकल और नल नल कर दें, यानी इस वक्त वो आता नीचे अक्सर गोल्स निशान आया था, कहता अपनी लोकेशन बताएं यहाँ पे, ये वही चीज़ है कि यानी आपका वेब पेज आपकी लोकेशन जो है वो आपसे वांट करेगा। मैंने यहाँ क्लिक किया इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट और एलिवेटर पे इतने पे मौजूद है, और यही उसने सेट कर दिया कि ये मेरे पास सेटअप को क्लियर कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया जी, जस्ट क्लोज। नेक्स्ट आता है मेरे पास प्रिंट, ये रही है मैंने कहा प्रिंट अंडरस्कोर आर एस टी आर स्प्लिट, हेलो को स्प्लिट कर दे और अरे की शक्ल में स्प्लिट करे, मैं आपको दिखाता हूँ, हेलो को जीरो इंडेक्स पे एच, वन पे ई एंड देन सो, आप कंट्रोल यू किया देखो हेलो आपके पास इस तरह, ठीक है। क्लोज कर दिया,
नेक्स्ट है वर्ड काउंट, मेरा नहीं ख्याल के बारे बताना चाहिए मैं सिर्फ हाँ बिल्कुल यहाँ पे पेस्ट किया सेव कर दिया और आप अपने पेज पे जाके इसमें देख लेते तो मैं यहाँ जाता हूँ ठीक है जी यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रिंग केस कंपेयर, ये देखना मेरा ख्याल आपको समझ आ ही गया होगा कि ये देखिएगा कि दोनों में हेलो वर्ड ये छोटे में लिखा है ये बड़े में लिखा है केस वाइज इन्हें कंपेयर सेम है। ये क्या स्ट्रिंग केस कंपेयर हेलो वर्ड गलत हो गया देखना क्या है ठीक है यानी जब दोनों सेम हो ना इसकी डेफिनेशन कंपेयर टू स्ट्रिंग केस सेंसिटिव ठीक है डेफिनेशन ये आ गई मैंने रन किया जीरो आएगा इफ द फंक्शन टर्न जीरो द टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल इक्वल तो रन कब करेगा ये है आपका स्ट्रिंग केस कंपेयर ठीक है यानी दोनों को कंपेयर करेगा वो नहीं देखेगा अगर बड़ा लिखा है छोटा लिखा है तो बोथ आर इक्वल है तो इक्वल होगा अगर दोनों फर्क होंगे तो फिर आपका ये डिफरेंस शो करेगा और कितने का डिफरेंस है इनके दरमियान ये भी रिटर्न कर देगा मैं कहता हूँ ए बी ठीक है बी बाद में आएगी पहले ठीक हो गया यानी उनके आपस में केसेस को कंपेयर कर रहा है मैं गया नेक्स्ट फंक्शन पे नेक्स्ट फंक्शन है आपका स्ट्रिंग कैरेक्टर ये देख लो ठीक है कहता है फाइंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वर्ड यानी जो दूसरा लफ्ज है जहां मिलेगा ना एंड रिटर्न द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग और बाकी स्ट्रिंग जो ये रिटर्न कर ठीक है वर्ड माइनस वो अगला माइनस वन नीचे में लिख ले सकते हैं ठीक है यानी उतना वर्ड जो है ना वो आपको शो कर मैंने एरर किया किस लिखा था नहीं जैसे मिल गया उतना वर्ड मैंने खाली डब्ल्यू दिया बाग का सारा ठीक है मैंने यहाँ डब्ल्यू दिया बाग का सारा यानी जहाँ पहला मिलेगा ना वो कंपेयर कर लेगा ना जहाँ पूरा मैच कर जाएगा तो उससे आगे का सारा टर्न कर देगा ठीक है अगर मैं यहाँ पे मैच करता हूँ ठीक है ओके जी नेक्स्ट क्या है जी
याद रखने हैं, ठीक है। स्ट्रिंग कंपेयर कोई नहीं है, नहीं ये है वो जो पहले मैं बता रहा था ना कि अगर वो केस सेंसिटिव है तो फिर वो बहुत रिटर्न करेगा। ये वो सेम है, सेम है। मैंने सेव किया, ड्रैग सेव वापस रिफ्रेश जीरो, और तो एक भी चीज ओके वन, और अगर ये डिफरेंट है तो जीरो। ठीक, क्लियर हो गया जी। ओके आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट स्ट्रिंग कंपेयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रिंग कॉलम, ये देख लो। मैंने कहा सेट लोकल, ये तो पहले वाली बात है, ठीक है, न्यूजीलैंड। और उसके बाद उसने कहा स्ट्रैंड, अगर तो लोकल सेट कर लिया है। मैंने कहा ये इसको इसको कंपेयर किया, लाइन ब्रेक की, ये तो रिटर्न कर रहा है रिफ्रेश 0 0, ठीक है। ये लेदर रिटर्न कर रहा है, लेदर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रिंग सी स्पैन, प्रिंट द नंबर ऑफ अ करेक्टर फाउंड इन दिस दिस, ठीक है। मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, 66 डॉट सिक्स, आगे चला गया ना। जीरो, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी इसकी पोजीशन बता देते हैं, फर्स्ट पोजीशन स्ट्रिप स्लैशेस कॉपी, रिमूव कर देगा बैक स्लैशेस ऑन द इको किया, ठीक है। सिंपल इको मैंने किया स्लैश हेलो स्लैश वर्ल्ड, ठीक है। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा देखो क्या होता है, ऊपर वाले में स्लैश प्रिंट हुई है, नीचे वाला जो फंक्शन है वो क्या करेगा, जैसे स्लैश यूज़ कर देगा। ये सारी एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए स्ट्रिंग की फीचर्स है, ठीक है। अच्छा ये आपको देखना, ठीक है, ठीक स्ट्रिंग पोजिशन, फाइंड द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द पी एच पी, कर लोगे, बताएगा उसकी पोजिशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट पोजिशन पे कॉपी करता हूँ, आपका है I string, find the first occurrence of the word inside the hello world and return the rest of the string, ये पहले मैंने करके बताया है, ये पहले भी करके बताया है, ठीक है। string length ये तो आपको जानना बताता है किसी भी string की length कितनी है, ठीक है। ये 57.5 आ गया, वो दूसरे वाले में से आ गया, ठीक है। स्ट्रिंग केस नंबर, ये मेरा क्या करता है, यूजिंग टू स्ट्रिंग्स नेचर एल्गोरिथम केस एंड सेंसिटिव, ये मैच करेगा, वो पहले वाली बात ही जैसे पहले था ना उसी तरह उनको कंपेयर करके चेक कर लेता है, ठीक। ये नहीं था ना यूज होता स्ट्रिंग का कैट स्ट्रिंग बैक,
करता है सर्च अ स्ट्रिंग फॉर अ करेक्टर OE जो इसमें लिखा होगा एंड रिटर्न द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम वेयर इट फाउंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेशल. पहले वाली बात ही है लेकिन वो इंडेक्स बताता था, ये आपकी पोजीशन बताएगा. ठीक है वापस. ठीक है स्ट्रिंग पोजीशन ये पहले वाला ही आ गया. ठीक है ट्रिम, ट्रिम क्या करता है यूजर ने अपना फॉर्म फिल किया उसने एक्स्ट्रा स्पेसेस दे दिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पेसेस क्लियर कर देता है. ठीक है करके दिखा रहा हूँ देख लेना. ठीक नेक्स्ट यूसी फर्स्ट कॉपी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है देखना एच छोटा है डब्ल्यू छोटा है. ठीक है ना एच छोटा है ठीक है एच बड़ा हो गया यू सी फर्स्ट पहला करेक्टर बड़ा. ठीक है अच्छा उसके बाद है जी यूसी वर्ड पहला वर्ड इसकी क्या जरूरत पड़ती है सिंपल जरूरत पड़ती है ना जब क्लाइंट गलत डाटा भेजेगा ना फिर उसकी जरूरत पड़ेगी. बात एक ही है लेकिन फर्स्ट वर्ड का पहला करेक्टर बड़ा उसमें यूसी का पहला करेक्टर बड़ा था. ठीक है वो जुमला भी हो सकता है ये वर्ड होगा. ये हम नेम्स को भी लगा सकते हैं नेम्स पे ही लगाते हैं. ठीक है जब रिटर्न करवाना होगा ना पीएचपी से तब लगाएंगे जब डेटाबेस में रखना होगा तब हम नहीं लगाते तब छोटे के यूज़ में रखते हैं. वर्ड रैप ये तो आप समझ तो मल्टी लाइन्स में था तो उसने उसको रैप करके एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया. कहता रैप इसको करे 15 लाइनों के बाद रैप करा दो. ठीक है सेव किया 15 लाइनों करेक्टर्स के बाद बी आर लगा दिया. देखो मैं यहाँ करता हूँ देखो लॉन्ग ऊपर चला गया. ठीक है बाद में आता है कंटिन्यू रीडिंग रैप किया. हाँ नीचे पर वो मोर होता है वो हाइपरलिंक होता है वो क्लिक करते हैं तो नीचे वो आया था कंटिन्यू. ये वो चीज़ है ये बूस्टर्स है नहीं किसी से भी आएगा एचटीएमएल में भी होता है कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक करते हैं तो नीचे वो आपका दोबारा पेज खुल जाता है. सर हमने पढ़ा था पांच लाइनें दी थी. हाँ बूटस्ट्रैप का तो एग्जांपल थी ना वहाँ तो कंटेनर के साथ भी हम करते हैं पैनल के साथ भी करते हैं टैब के साथ भी करते हैं. ठीक है जैसे आप कंटिन्यू रीडिंग करते हैं वो अगले टैब पर जाना शुरू करते हैं पैनल में आते हैं स्क्रोल डाउन हो जाता है. पूरे पेज पे भी गया पूरे पेज पे भी गया था बिल्कुल जो आखिर में मैंने स्क्रोल किया ऊपर जाता था जाकर ऊपर जाता था. जी सर. ठीक है जी ये क्लियर हो गया जी. ठीक है नेक्स्ट क्या है चौक तो मैं जी आगे हो गया राइट से पकड़ना शुरू किया उसने तो लफ्ज़ को वहाँ से सोचा चौक कर लिया. ये मेरा स्ट्रिंग था स्ट्रिंग को चौक करे वर्ड मैं सेव किया बी आर पे गए ठीक है ऊपर वाला पूरा स्ट्रिंग प्रिंट होगा इको स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्रिंट कर देता है और जो वर्ल्ड को चॉप करते हैं चॉप में क्या कर देता है ट्रिम एक्स्ट्रा स्पेसेस उड़ाता है ना चॉप तो लफ्ज़ उड़ा देता है. ये देखो ना वर्ल्ड ही खत्म हो गया ना वहाँ से. ठीक है नेक्स्ट चंक स्प्लिट ये मेरा स्ट्रिंग था स्ट्रिंग ये था मेरा. ठीक है मैंने कहा चंक स्क्रिप्ट स्ट्रिंग वन और डॉट. ठीक है देखो मैं सेव करता हूँ एक एक के बाद डॉट लगाता है. ठीक दो के बाद डॉट. ठीक है
सही है जी। ये ना व्यू के वाले से मतलब कम यूज होते, पहले ये यूज किया स्पेशल करेक्टर है ये मैंने इसके आगे लगाए हैं, तो मैं डब्ल्यू और ए को के दरमियान जो है उसको देखता हूँ कन्वर्ट कर दें स्ट्रिंग के अंदर जस्ट टू देयर नाम, सो यू विल फील पहला वैसे ही स्ट्रिंग लिया स्ट्रिंग को कंपेयर किया ये स्ट्रिंग था मेरा ठीक, जबकि नीचे मैंने कन्वर्ट क्रिप्ट स्ट्रिंग दिस डब्ल्यू से उसने कहा करे और क्रिप्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें ए तक। डब्ल्यू किधर है ये डब्ल्यू का हेलो वर्ल्ड पहला आया और ये देखो ना उसकी जगह उसमें कर दिया इतना ठीक। डब्ल्यू और ए के दरमियान पास किया डब्ल्यू ए का है स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग को ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक्सप्लोड तोड़ देता है और इनकी फॉर्म तो है स्ट्रिंग या हेलो वर्ड इट्स अ ब्यूटीफुल वे, उसने कहा जहाँ स्पेस मिलती है वहाँ से आप क्या करो एक्सप्लोर करते हो ठीक है। सेव किया और प्रिंट आ रहा है देख रहे फ्रेश करिए हमें जीरो पहली स्पेस मिली हेलो पे फिर वर्ड में फिर इट्स ब्यूटीफुल ठीक है। ये देखिए मैं यार इसको मैं खुद ही देख लूँगा ठीक है ना पता चलेगा तो कल में दोबारा आता है ठीक है। एक्सप्लोड ज्वाइन मेरा नहीं ख्याल मुझे बताना चाहिए वो तोड़ता था अरे वर्ल्ड ब्यूटीफुल डे ठीक है सारों को जोड़ ज्वाइन कठिन लफ्ज बना दिया ठीक है। नेक्स्ट एलसी फर्स्ट ठीक है फर्स्ट करेक्टर जो है ना वो रिटर्न कर देगा छोटी है बेसिक लोअर करेक्टर फर्स्ट पेस्ट हेलो वर्ड एलसी फर्स्ट लोअर करेक्टर ठीक है हेलो छोटा ठीक है फर्स्ट फैक्टर ठीक है जी। ओके नेक्स्ट फंक्शन है जी हमारे पास पी एच पी ये आप देख लेना पिछले वाले की तरह ही है ठीक है। तो ये थे जी आपके स्ट्रिंग फंक्शन जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात की चाहता हूँ कि नहीं आप खुले तौर पर देखो जो मैंने अंदर से निकाल के बताया ना मोस्टली वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है।